हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे कि CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए लाखों बच्चे प्रिपेयर हो रहे थे ना, आपको खुशखबरी देने के लिए इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इसको पोस्ट को जारी कर दिया गया है। अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको एक अच्छा सुनहरा मौका देखने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस जो पोस्ट निकला है CISF का, इसका एज, सैलरी, सिलेबस और इसका रिटर्न एग्जाम क्या देखने के लिए मिलेगा, फिजिकल क्या रहेगा, A to Z मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा आखिर तक देखना होगा पूरी जानकारी पाने के लिए। और कुछ डाउट भी रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है ना, आप हम मैसेज कर सकते हो हमको, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। इसलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू कर देने से पहले आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पोस्ट निकला है CISF का, टोटल कुल मिला के पोस्ट आपको, टोटल पोस्ट में आपको 787 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एक प्योर गवर्नमेंट और इधर आपको परमानेंट जॉब देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस पोस्ट को चाहते हो तो आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, क्योंकि इधर आपको पोस्ट के बारे में आज आपको फुल डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपको इसका ऑफिशियल PDF भी चाहिए तो इधर आप देख सकते हो, इसका ऑफिशियल PDF भी दे दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड करके उसका डिटेल बारे में भी आप पढ़ सकते हो। नहीं तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। और जॉब लोकेशन आप बात करते हैं कि जॉब लोकेशन आपको, अगर आप इंडिया के कौन से भी कोने से हो तो, अगर आप मेल फीमेल कौन से भी कैटेगरी से हो तो आप इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका अप्लाई डेट भी शुरू हो चुका है 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर 20 दिसंबर तक। अगर आपका इसके बीच में अगर आपका अप्लाई करने का कुछ दिन में है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। और इधर आपको फी में बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फी, जनरल OBC या EW से हो तो आपको सिर्फ ₹100 देखने के लिए मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि SC ST और फीमेल, अगर आप SC ST और फीमेल हो तो आपको एक अच्छा बात देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इधर आपको ₹0 बिना कोई चार्ज दिए इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको इस मौके को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर बच्चे हमको, कैंडिडेट हमको कमेंट के द्वारा पूछते भी है कि प्रॉब्लम रहता है कि उनके आपका एज लिमिट कब से काउंट कर दिया जाएगा। आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, 1 अगस्त 2022 से आपका एज लिमिट को काउंट कर दिया जाएगा। और एज के बारे में बता देता हूँ, अगर आप 18 से लेकर 23 साल अगर आपका इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इधर आपका DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका कब से होना चाहिए, 2 अगस्त 1999 से शुरू होकर 1 अगस्त 2004 के बीच, अगर आपका इसके बीच में अगर आपका DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे सारे गवर्नमेंट जॉब में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है ना, इस पोस्ट में भी आपको एज रिलैक्सेशन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर एज रिलैक्सेशन को OBC या SC ST आप फायदा उठा सकते हो। आप इधर देख सकते हो, OBC हो तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा, और अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। आपके पास और ज़्यादा टाइम दिया गया है आपको प्रिपेयर होने के लिए, आपको अच्छा टाइम भी दिया गया है OBC और SC ST के लिए, आपको थोड़ा फायदेमंद भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, मैं आपको पूरे अच्छे से बता देता हूँ। और कुछ डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी, अगर आप पोस्ट को अप्लाई करते हो तो आपका मिनिमम 10th पास आउट, अगर आप मिनिमम 10th पास आउट हो चुके होगे तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर एलिजिबल हो जाओगे। पोस्ट नेम में आप इधर देख सकते हो, कॉन्स्टेबल, कुक, क्लोबर और टेलर, बार्बर, मैन, वाशरमैन और इधर स्वीपर, पेंटर, तो आपको सारे पोस्ट दिखाया गया है। और इधर आपको जो पहला पोस्ट निकल के आता है कॉन्स्टेबल कुक, रसोई करने वाले में आपको 304 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिधर आपको मेल, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल भी हो तो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर बंदे मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट 304 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर आपको नीचे आने के बाद इधर दूसरा जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपको कॉन्स्टेबल वाशरमैन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आपको 118 पोस्ट देखने के लिए इधर आपको जारी कर दिया गया है। और कॉन्स्टेबल स्वीपर जो दूसरा पोस्ट निकल के आया है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेबल स्वीपर, अगर आप कॉन्स्टेबल स्वीपर में भी आप अप्लाई करोगे तो इधर भी आपको सेम 200 के करीब आपको पोस्ट देखने के लिए मतलब 199 आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप कॉन्स्टेबल पेंटर और मानसन और प्लम्बर इस सारे के पोस्ट देख सकते हो, कितना पोस्ट किसको दिया गया है मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दिखा गया हूँ। और अगर आप बैकलॉग के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बैकलॉग के बारे में बता देता हूँ। बैकलॉग का मतलब क्या होता है, दूसरी बार भी ये दूसरे महीने भी ये पोस्ट निकला था, मतलब पहले साल भी ये पोस्ट निकला था ना,
उस समय के अगर कुछ पोस्ट बच जाते हैं, मतलब कुछ पोस्ट अगर आप बच जाते हैं तो उस पोस्ट को रख दिया जाता है दूसरे साल वैकेंसी। अगर इस साल भी कुछ पोस्ट को बच जाते हैं तो इस साल को आपको उसको पोस्ट को रिजर्व रख दिया जाएगा, दूसरे साल जो 2023 या 24 में जो निकलेगा कॉन्स्टेबल CISF का, तब उसको उस पोस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तब तो उधर बोला जाएगा कि ये बैकलॉग पोस्ट है। आपको पूरे अच्छे से, ठीक है, मैं आपको पूरे अच्छे से बता दिया बैकलॉग का मतलब क्या है। बैकलॉग में आपको कॉन्स्टेबल कोलबलर में आपको एक पोस्ट, और कॉन्स्टेबल बार्बर मतलब जो दाढ़ी वाड़ी शेविंग करते हैं ना, इधर आपको 7 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा जिधर आपको बैकलॉग में ये वैकेंसी दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूँ और आपको अच्छे से समझना भी है, क्योंकि इधर इधर ज़्यादातर कैंडिडेट का मतलब ज़्यादातर बंदे का इधर आपको प्रॉब्लम मतलब क्या होता है अच्छे से समझ नहीं पाते। आपको पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो में देखिए, आपको पहले PST उसके बाद PET और डॉक्यूमेंट DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद इसको प्रोसेस को अगर आप ये क्लियर कर जाते हो तो दूसरा स्टेप आपका ट्रेड टेस्ट कर दिया जाएगा। एक ही दिन में आपको मन में आता होगा कि हमको सारा प्रोसेस एक ही दिन में कर दिया जाएगा कि नहीं, आपको सिर्फ इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट को आपको एक दिन में कर दिया जाएगा, और 2-3 महीने के जाने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम में आ जाता है, तो आपको मेडिकल आपका किया जाएगा जो कि आखिर में रहता है मेडिकल, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दिया है मेडिकल जिसको आपको आखिर में देखना होगा। अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इधर आपको पोस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इस अलग से अगर आपको बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं अलग से भी वीडियो लाऊंगा कि इधर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ के जाना होगा, आपको फिजिकल में क्या करना होगा, सारे वीडियो मैं इस चैनल में डेली अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप बात करते हैं कि सिलेबस, सिलेबस के बारे में आपको ध्यान से सुन लो, इधर मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में आपको जीके और GS से आपको 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आपको 25, और हिंदी इंग्लिश है ना, हिंदी इंग्लिश आपका चूज रहेगा। अगर आप हिंदी चूज करोगे तो आपको हिंदी से या इंग्लिश चूज करोगे, मतलब आपका सिलेक्टिव रहेगा, जो आप सिलेक्ट करोगे आपको वही 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। इधर आपको डिटेल में मतलब आपको श्योर नहीं बताया गया है कि ये परमानेंट है कि आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन उधर नहीं बताया गया कि मतलब अच्छे से डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन से सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आएगा। पिछले साल भी ऐसे आपको देखने के लिए मिला था, लेकिन इधर आपको 25-25 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था, इस बार भी ऐसा ही कर दिया गया है। लगता है इस साल भी उधर आपको सेम 25-25 देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ चेंज भी होता है तो मैं वीडियो के द्वारा आपको अपडेट करके बता भी दूंगा। और मार्क के बारे में बता देता हूँ, मार्क के बारे में आपको कितना मार्क टोटल आपका 100 क्वेश्चन का एक मार्क दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क आपको हो जाएगा। और आपको कितना टाइम, अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो टाइम को भी आपको मायने रखना होगा, क्योंकि आपको कितना टाइम के अंदर कितना आपको क्वेश्चन करना है उसको भी आपको रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा ना। इसलिए हमको टाइम के बारे में बता देता हूँ, टाइम के बारे में आपको टोटल 2 घंटा मतलब 2 आवर का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव, नेगेटिव में ज़्यादातर कैंडिडेट नेगेटिव में उसका प्रॉब्लम रह जाता है, लेकिन इस जो ये CISF पोस्ट में आपको नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं मिलता है, क्योंकि इधर आपको नेगेटिव मार्क ही नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको 100 से 100 क्वेश्चन को पूरा फिलअप करके जैसे भी आना होगा, क्योंकि इधर आपको नेगेटिव मार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा ना, इधर आपको पूरा 100 क्वेश्चन को अटेंड करके आइए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़े, मतलब एक भी क्वेश्चन को जैसे नहीं छोड़ के जैसे भी होकर पूरा 100 क्वेश्चन को पूरा फिलअप कीजिए। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल, जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये ऊपर वाले में समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपका हाइट कितना होना चाहिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इस पोस्ट में मेल कैटेगरी के लिए आपका 170 cm का आपका हाइट होना चाहिए। और इधर आपको ST हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो फायदा उठाएगी, क्योंकि उधर आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ST हो तो आपको 162.5 आपके सेमी का हाइट होगा तो आप चल जाओगे, और फीमेल कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हो, उधर आपको थोड़ा कम उनको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 157 cm आपका हाइट है तो फीमेल कैटेगरी, मतलब अगर आपको नारी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर आपका 157 cm है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर इतना हाइट सब 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 छात्रों या छात्री का रहता है, और ST हो तो आपको उससे भी कम, आपको 150 cm का आपका हाइट अगर है
तो आप बिना कोई हिचकिचाच के अप्लाई कर लो। और आपको थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना, फिजिकल क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा। चेस्ट के बारे में बात करते हैं, आपको हाइट के बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं कि चेस्ट के बारे में, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। मेल कैटेगरी में आपका 80 से 85 मतलब 80 होना चाहिए। अगर आप जब उन बोलेंगे कि जो ऑफिसर बोलेंगे फुलाव करो आपका चेस्ट को मतलब छाती को फुलाव करो, तो आपको 85 मतलब 5 सेमी का आपका फुलाव कर पाना आपका एलिजिबल होना चाहिए। आपको इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा क्योंकि इस जो ये छाती फुलाव में भी ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको ये भी थोड़ा आपको इसको इसको गुरुतर भी लेना होगा। और ST हो तो आपको 76 से आपका 81 अगर आपका फुलाव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप आता है रनिंग, रनिंग में आपको कितना टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर का आपका रनिंग कर दिया जाएगा, वो भी 6.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, मेल कैटेगरी के बता देता हूँ। और अगर आप फीमेल कैटेगरी हो तो मतलब कोई नारी या छात्री वीडियो को देख रहा है तो आपको 800 मीटर का रनिंग कर दिया जाएगा। 800 मीटर के रनिंग के लिए आपको टाइम भी 4 मिनट का टाइम दिया गया है, जिधर आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है। आपके हिसाब से आपको थोड़ा तो मेहनत करना होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सैलरी, सैलरी के बारे में आपको, अगर आपको अच्छा थोड़ा मेहनत करोगे तो मेहनत के हिसाब से आपको फल भी मिलेगा ना। आपको सैलरी में आप इधर देख सकते हो 21,700 से शुरू होके, मतलब आपको पहले 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 2-3 महीने आपको 21,700 से शुरू होके, बाकी जैसे समय बढ़ता जाएगा उसका आपको पोस्ट का लेवल अप होके आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल जाएगा। 21,700 से शुरू होके 69,100 मतलब 70,000 के पास आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको लास्ट स्टेज में। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल में बता दिया जो CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए क्या क्या पोस्ट निकला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल होंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको A to Z में बता दिया। और कुछ डाउट भी रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बार बार बोलता हूँ भी, मैसेज कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के रिलेटेड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।